हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू सुनिधि इकनॉमिक्स क्लासेस आई एम सुनिधि फिलहाल मैंने स्टैटिस्टिक्स को शुरू किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स नेट सीटेट जितने भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए मैंने कवर कराया हुआ है अभी तक मैं इस प्रोसेस में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सब मैं कवर करा चुकी हूँ आज के इस वीडियो में हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इसी के साथ में में डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुसिस और हमारा नेट का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स का आज के इस वीडियो में हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इसका थियोटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे इसको किसने इन्वेंट किया था किसने एफ टेबल्स बनाई थी एफ टेबल्स में हम एफ टेस्टिंग कैसे करते हैं

यानी कि अगर हम काई स्क्वायर वेरिएबल्स को दो इंडिपेंडेंट ले टेस्ट आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले जो कि काई स्क् जेड वन एंड जेड टू इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के वन हो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के टू हो तो जो वेरिएबल हमारा निकल के आएगा वो आएगा जेड वन डिवाइड बाई के वन अपोन जेड टू डिवाइड बाई के टू ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ये आप डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा जिसमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी के वन होगी और के टू होगी यानी कि अभी तक हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है उन सब में हमने केवल एक डिस्ट्री एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ा है लेकिन F distribution एक ऐसा distribution है जिसमें एक नहीं दो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें स्टडी करना होता है और दो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें इसीलिए स्टडी करना होता है क्योंकि इसमें हम दो वेरिएबल्स को एंज्यूम करते हैं और जो दोनों वेरिएबल्स होती हैं, दोनों का अपना अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है अब देखिये के और के हो सकता है यहाँ पे फाइव हो यहाँ पर सेवन हो जरूरी नहीं है कि हम दोनों जो भी वेरिएबल्स हमारे दोनों हैं दोनों का सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो ये डाउट कई बार बच्चों का आता है कि जो हमारे के वन और के टू है क्या वो सेम होना जरूरी है नहीं वो सेम होना जरूरी नहीं है अब हम के जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे ठीक है यहाँ पे ये पीडीएफ है डेंसिटी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और यहाँ पे एफ है तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से काई स्क्वायर वेरिएबल होता है जब उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कम होती है तो क्या होता है फिर हम एक बनाते हैं अब हम बनाते हैं दूसरा ग्राफ जिसमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है देखिए इसमें फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम टेन है दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे एफ टेन टू हो जाएगा और हम नेक्स्ट ग्राफ को बनाते हैं जो कि फिफ्टी और फिफ्टी है उसमें क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो गया एफ फिफ्टी और फिफ्टी ठीक है इस तरीके से हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिपिक्ट कर सकते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो जो जैसे जैसे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच कर रहा है यानी कि अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा विद मीन जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वन अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं की जो mean और variance होता है distribution का। अगर हमसे पूछा जाए तो हम निकाल देंगे K2 K2 2, अगर हमसे पूछा जाए तो variance का जो formula होता है वो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन आ, क्योंकि वो समझना इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं उसको यहाँ पे लिखती हूँ कई बार क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है उसके बेसिस पे हमें दिया होता है कि एक सैंपल एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है और उस सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसमें के वन इतना है के टू इतना है और आप मीन और वेरियंस कैलकुलेट करके दे दीजिए कई बार इसी तरीके से एग्जैक्ट ऐसे ही हमारे कई बार बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हमसे पूछा जाता है तो अगर आपको गिवन है तो मीन जो है वो हमारा केवल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकलेगा लेकिन जो हमारा वेरिएंस है उसमें हमारी दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज होंगी वेरिएंस का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ टू के स्क्वेयर टू के टू का स्क्वायर यानी कि जो सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका स्क्वायर ब्रैकेट में के वन प्लस के टू माइनस टू इसको डिवाइड करना है हमें किससे के वन ब्रैकेट में के टू माइनस टू का स्क्वायर इंटू के टू माइनस फोर अगर हमें के वन और के टू गिवन है आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा आप मीन और वेरियंस को कैलकुलेट कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एफ का अलोंग एफ वैल्यूज वो राइट right की तरफ स्क्यूड है और वो नॉर्मल की तरफ अप्रोच करेगा जैसे ही दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम लार्ज होंगी देखिए अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 50 है और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं अप्रोच करेगा जैसे कि आपने पिछले फिगर में भी देखा था कि एक जो है वो टेन पे था और दूसरी की डिग्री ऑफ फ्रीडम टू थी तो वो नॉर्मल की तरफ नहीं अप्रोच कर रहा था जैसे ही दोनों फिफ्टी फिफ्टी हुई तुरंत उसका कर्व जो है वो नॉर्मल की तरफ दिखने लगा थर्ड प्रॉपर्टी है इट कैन बी सॉन दैट द स्क्वायर ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद के डिग्री यानी कि अगर हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल का जिसमें के डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका एफ डिस्ट्रीब्यूशन वही उसका एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है उसमें क्या होगा एक तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 को मान लेंगे और दूसरा क्या होगा जो टी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है उसमें जो डिग्री है है फ्रीडम एक वो हो जाएगी यानी कि अगर हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन गिवेन है और टी डिस्ट्रीब्यूशन में रेंडम वेरिएबल है और हमें इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होगा और पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा वन होगा ठीक है अब आपको समझ में आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन से एफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है और हम इसमें बाद में ये भी कह सकते हैं कि जो लार्ज नोमिनेटर वैल्यूज होती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो काई स्क्वायर वैल्यूज होती है न्यूमेरेटर डिग्री में अगर हम उसको काई स्क्वायर वैल्यूज जो होती है न्यूमेरिटर डिग्रीज में ठीक है देखिए इस तरीके से होता है हमारा हम मैंने आपको बताया था कि दो काई स्क्वायर के वो ले लीजिए ठीक है एक्स वन और एक्स टू अब मैं आपको फोर्थ वाला पॉइंट एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैंने आपको बताया था जब ये बताया था कि जब हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू किया था तो मैंने उसमें बताया था कि एक्स और काई ये काई स्क्वायर वन काई स्क्वायर टू उसमें अलग अलग हम वैल्यूज को लेते हैं तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लार्ज डिनोमिनेटर वैल्यू है यानी कि इसकी वैल्यू अगर बड़ी होगी एफ डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो काई स्क्वायर वैल्यूज है न्यूमिनेटर डिग्रीज की इसकी अगर हम इससे न्यूमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड कर दें यानी कि इसको न्यूमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें तो वो दोनों इक्वल होंगे यानी कि ये का स्क्वायर है और अगर हम v1 वन अपॉन वी को डिवाइड कर देंगे तो वो इक्वल होगी अब हमें ये देखना है कि हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं f डिस्ट्रीब्यूशन को अगर s1 एंड एस दो वेरिएंस गिवन है हमें इंडिपेंडेंट सैंपल के हमें एस वन और एस टू का गिवन होना मस्ट होता है ये हम वेरिएंसेस के केस में करते हैं जब हमें पॉपुलेशन का वेरिएंसेस टेस्ट करना होता है जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन की टेस्टिंग करते थे इसमें हम वेरिएंस की टेस्टिंग करेंगे जो वेरिएंस होगा इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल का साइज एन वन एन एन टू फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका पहले का वेरियंस सिग्मा वन होगा दूसरे का वेरियंस सिग्मा टू होगा तो जो हमारा एफ स्टैटिस्टिक्स है वो इस तरीके से काम करेगा एस वन का स्क्वायर अपॉन सिग्मा वन अपॉन एस टू का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि एफ टेस्ट का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना मस्ट है अगर हम दोनों में से पता नहीं कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे और इसमें जो है एस वन स्क्वायर अपॉन सिगमा वन स्क्वायर में इसमें जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लगाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एन माइनस वन ऊपर वाले का होगा न्यूमिनेटर का एन टू माइनस टू नीचे वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इस तरीके से हम एफ को कैलकुलेट करेंगे और ये जो है हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके बेसिस पे हम एफ टेस्ट से जो करें एफ टेबल जो होगी उससे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो हमें एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है मैं एक बात आपको बता देती हूँ एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको रोनाल्ड ए फिशर नाम के व्यक्ति ने इन्वेंट किया था कई बार इस तरीके के क्वेश्चन नेट में या सी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि, कि किसने इन्वेंट किया है तो रोनाल्ड ए फिशर ने इन्वेंट किया है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब इस स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर लेंगे और डिफरेंट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे एक पर्टिकुलर टेबल को देख लेंगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी कि टेबल्स को कैसे देखते हैं तो फिर हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होगा उसको स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा लेकिन हमें यह समझना है कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है वो क्या हमें रिप्रेजेंट करता है एफ डि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है वो हमें एफ कर्व के जो राइट में जितना भी एरिया होता है वो बताता है यानी कि ये एफ कर्व है तो इसके राइट में जितना भी एरिया होगा वो हमें बताएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यानी कि अगर हमें 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालना है जिसका के वन सिक्स है के टू टेन है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से हमारा टेबल गिवन होगा यहाँ पे k1 होगा यहाँ पे k2 होगा या फिर यहाँ पे k1 होगा यहाँ पे k2 होगा 6 होगा 10 होगा, होगा और फिर हम जाके उसको देखेंगे तो एक वैल्यू हमें यहाँ पे लोकेट हुई मिलेगी जिस जो की होगी 3.22 इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो f वैल्यू है हमने जो कैलकुलेट की है इस मेथड से ठीक है वो ग्रेटर है जीरो पॉइंट जीरो से देखिए अगर आपको आज ये समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना सिखाऊंगी उस टाइम पे आपको एक पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए अगर आज आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आपको आज सिर्फ इतना समझना है कि एफ टेस्ट के लिए कौन सा स्टेटिस्टिक्स यूज होता है यानी कि इस तरीके से हम एफ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको जो टेबल की वैल्यू होगी उसके इक्वल रख के चेक करेंगे कि हमें हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है That's it for today's videos, guys. I hope आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आज का जो वीडियो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो है इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे और इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनेंगे ये सब मैं कवर करने वाली हूँ एडवांस लेवल का स्टेटिस्टिक इकोनोमेट्रिक सीखना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू तो सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कीजिए और आने वाले टाइम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है सबका नॉर्म सबके न्यूमेरिकल्स में अपलोड करने वाली हूँ सब बहुत ज्यादा हाईली इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट जो है वो लाइंड अप है सब आपका जो स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स है वो मैं कोशिश करूंगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जनवरी तक फिनिश कराने के लिए अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम वीडियो में लगता है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच